सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल टेकी राज को और इस बेल आइकन को दबाएं इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना चैनल टेकी राज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी से बताया था कि कैसे आपको YouTube चैनल क्रिएट करना है और कैसे आपको वीडियो डाल के मोनिटाइज करके और कैसे एडसेंस अकाउंट आपको यूट्यूब में जोड़ना है और कैसे बैंक अकाउंट लिंक करके कैसे आप YouTube के जरिए से पैसे कमा सकते हैं। तो कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। यदि आपने वो नहीं देखा है अभी तक तो वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो को देखिएगा ताकि आपको आगे कैसे वीडियो अपलोड करना है और कैसे प्रॉपरली आपको टैगिंग्स डालना है, टाइटल्स डालना है, थंबनेल डालना है, वो सारी बातें जो है आपको कंप्लीट समझ में आए। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको वीडियोज डाल के उसे प्रॉपर टैगिंग आपको भरना है उसमें और कैसे आपको टाइटल्स, प्रॉपर टाइटल्स आपको देना है और कैसे एक आई कैचिंग थंबनेल आपको बना के डालना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो जानने के लिए ये वीडियो को आगे देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चलिए एक वीडियो सैंपल वीडियो में डाल के आपको दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया अपलोड पे, तो अभी मैं यहाँ पे एक वीडियो डाल के मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे पब्लिक जो है इसे हमें प्राइवेट में रखना है। तो बाद में जाके हमें इसे जब हम पब्लिश करेंगे तब हमें पब्लिक में रख के पब्लिश करना होगा। तो फिलहाल के लिए हम इसे प्राइवेट में रख देते हैं। तो अभी हमें क्या करना होगा, फाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के साथ साथ ये हम अपना डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तो कोई सा भी एक वीडियो में ले लेता हूँ, ये वीडियो में ले लेता हूँ, इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के साथ साथ ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोडिंग ये शुरू हो चुका है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये जो टाइटल है इसे हमें डालना होगा। तो समझ लीजिए कि ये वीडियो जो मैंने डाला है ये हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस के रिलेटेड में मैंने डाला, यानी कि ये वीडियो में मैंने दिखाने का कोशिश किया है कि कैसे यूट्यूब वीडियो जो है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर के जरिए से या फिर एक मोबाइल ऐप के जरिए से या फिर एक वेबसाइट के जरिए से। तो अभी हमें यहाँ पे टाइटल डालना होगा। तो टाइटल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइटल मैंने दे के रखा है हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस, उसके बाद मैंने हाइफिन दिया, उसके बाद डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस, उसके बाद हाइफिन दे के मैंने वीडियो डाउनलोडर दिया। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसे यहाँ पे कंट्रोल वी मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100 वर्ड तक आप यहाँ पे दे सकते हो, जितना हो सके आप यहाँ पे ज्यादा वर्ड दीजिएगा। ज्यादा वर्ड देने से क्या होता है कि आपका सर्च रिजल्ट में आपका वीडियोस आता है, जितना आप कम दोगे कीवर्ड्स उतना ही आपका वीडियो जो है वो बहुत ही पीछे चले जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आप कीवर्ड्स दीजिएगा। तो डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस दिया मैंने, हाइफिन दिया, उसके बाद यहाँ पे फिर से आप दे सकते हो हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस ऑन मोबाइल। तो ये मेरा 101 हो गया, ये मैं दे नहीं पाऊंगा। तो इसे मोबाइल की जगह में मैं यहाँ पे फोन दे देता हूँ। तो कंप्लीट ये 100 वर्ड हो चुका है। जरूरी नहीं है कि 100 ही होना चाहिए, 90-95 कुछ भी आप दे सकते हो जैसा आपको सही लगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि डिस्क्रिप्शन का, डिस्क्रिप्शन पे हमें क्या डालना है। डिस्क्रिप्शन पे आपको ये डालना है कि आपने ये वीडियो में जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं ये वीडियो में आपने क्या समझाने का कोशिश किया है, आपने ये वीडियो में क्या क्या दिखाया है वो यहाँ पे आप ब्रीफली बता दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक सैंपल देके रखा है, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो कि इन दिस वीडियो आई विल शो यू दैट हाउ यू कैन डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस इजिली। तो इसे आप दे दीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसे कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं, एंटर मार लेते हैं। और अभी नीचे में आपको क्या देना होगा, नीचे में आप चाहो तो आपके फेसबुक का लिंक, सोशल साइट्स का लिंक आप दे सकते हो। उसके नीचे आप यदि यूट्यूब के जरिए से आप कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हो तो बैकग्राउंड म्यूजिक का आपको नाम देना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए उतना मैं नहीं जाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर में आपको ये देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम गूगल के जरिए से हम बहुत सारे इमेजेस जो है अपना वीडियो में हम यूज करते हैं, थंबनेल में हम यूज करते हैं, और भी बहुत सारी जो होता है कि कॉपीराइट्स जो होता है हम थोड़ा थोड़ा सा हम यूज करते हैं। तो उसके लिए ये हमें डालना बहुत ही जरूरी है डिस्क्लेमर, यानी कि ये फेयर यूज में आता है सेक्शन अंडर 107 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1976। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ सकते हो, पढ़ के आप डाल सकते हो। तो फिलहाल के लिए इसे हम क्या करते हैं,
कॉपी करते हैं, यानी कि ये फेयर यूज के लिए क्लेम कर रहा है, तो इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे डाल चुका मैंने, तो यहाँ पे ये मैंने डाल दिया। आप देख सकते हो कि 5000 वर्ड तक आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा, इन दिस वीडियो आई विल शो यू दैट हाउ यू कैन डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस इजीली। यहाँ पे आप चाहो तो और भी बहुत कुछ आप लिख सकते हो, जितना ज्यादा आप लिख सकते हो उतना ही ज्यादा लिखिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में ज्यादा से ज्यादा लिखने से क्या होता है कि आपका वीडियोस का पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ेगा, रैंकिंग भी आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे लेकिन आपको कुछ भी मत लिखिएगा। तो उसके बाद आपको थर्ड क्या करना है, टैगिंग पे आपको क्लिक करना है। तो टैगिंग जो होता है, चलिए मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। टैगिंग यहाँ पे मैंने कुछ दे के रखा है, टैगिंग आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टैगिंग पे दिया है कि हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस, उसके बाद आपको कॉमा देना है, उसके बाद डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस कॉमा यूट्यूब वीडियो डाउनलोड कॉमा डाउनलोड यूट्यूब वीडियो कॉमा कॉमा। देखिए मैंने यहाँ पे एक सैंपल मैंने आपको दिया है, यहाँ पे आप डबल डबल मत दीजिएगा। जैसे कि मैंने हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस दिया, उसके बाद फिर आप हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस, ऐसा डबल आप मत दीजिएगा। यहाँ पे ये कीवर्ड पे आता है, जैसे कि कोई सर्च करता है हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस, आपकी रैंकिंग में आएगा वीडियो। उसके बाद आप देते हो कि कोई सर्च करता है डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस, तब भी आपका रैंकिंग में आएगा। तो ये टैगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टैगिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेजर रोल खेलता है ये यूट्यूब वीडियोस में। तो टैगिंग जितना हो सके उतना आप ज्यादा दीजिएगा। इसमें फिलहाल के लिए कॉपी कर लेता हूं और यहां पे मैं पेस्ट कर लेता हूं। टैगिंग जरूरी नहीं है कि आपको बनाना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं है। टैगिंग जो है आप हो सके तो गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हो। तो यहां पे आप सर्च कर सकते हो, सपोज आप यहां पे सर्च कर लीजिए हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस। तो ये जब हम सर्च करते हैं तो हमें नीचे में पता चलता है कि लोग कैसे सर्च करते हैं, किस कीवर्ड से लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिजल्ट जो है यहाँ पे काफी लोग ये सर्च करते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पता चलेगा सर्चेस रिलेटेड टू हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस, यानी कि लोग इस कीवर्ड से सर्च करते हैं। हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस इन मोबाइल, डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस MP4, डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस MP3। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। टैगिंग पे आप चाहो तो ये भी डाल सकते हो, इसे आप सिंपली कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करके आप यहाँ पे नोटपैड पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे वर्ड का एंड पे जो है हमें कॉमा डालना होगा। तो ये कॉमा डालने के बाद इसे आप सिंपली कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप अपना टैगिंग में आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हो सके तो गूगल से ही लीजिए, क्योंकि गूगल में जो हिसाब से लोग सर्च करते हैं वही एग्जैक्टली वहां पे आपको मिल जाएगा और आपका वीडियो जो है वो रैंकिंग में आने का चांसेस रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे थंबनेल जो है वो आपको डालना होगा, कस्टम थंबनेल। तो थंबनेल के लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना होगा। यदि आप एक आई कैचिंग थंबनेल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं canva.com। तो canva.com एक ऐसा साइट है जहां पे आप बहुत ही बढ़िया सा थंबनेल आप बना सकते हो। तो ये मेरा डैशबोर्ड खुल चुका है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, मोर पे आप क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप मोर पे क्लिक कर लेते हो नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है यूट्यूब थंबनेल। आपको डैशबोर्ड इस प्रकार से नहीं खुलेगा। यदि आप फर्स्ट टाइम canva.com आप ओपन कर रहे हो तो आपको साइन इन करना होगा। साइन इन कर लीजिए गूगल प्लस अकाउंट के जरिए से या फिर फेसबुक के जरिए से या फिर ईमेल आईडी के जरिए से साइन इन करके आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी साइन अप करके रखा है तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सेस कर पाया मैंने। तो यूट्यूब थंबनेल पे हम क्रिएट करते हैं, जैसे हम वहाँ पे हम क्लिक करते हैं ये न्यू टैब ओपन हो जाता है, इसे हम फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं और ये नया प्रोजेक्ट जो है ये खुल चुका है। तो यहाँ पे हम अपना थंबनेल बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने वहां पे दिया था कि हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस, तो यहाँ पे आपको सैंपल बहुत सारा दिया गया है, लेआउट जो है यहाँ पे सैंपल बहुत सारा दिया गया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कोई भी एक दिखा देता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ। ये लेने के बाद आप चाहो तो यहाँ पे अपना भी अपलोड कर सकते हो, कुछ भी आप अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बहुत सारा यहाँ पे अपलोड करके रखा है। तो लेआउट पे मैं चले जाता हूँ, ये मैंने लिया। तो लेने के बाद यहाँ पे ये जो है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इससे भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद ये वर्ड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे आप लिख सकते हो हाउ टू डाउनलोड
YouTube videos. तो ये मैंने यहां पे लिख दिया, तो इससे अभी मुझे क्या करना है, थोड़ा सा मैं स्पेसिंग पे क्लिक करके थोड़ा सा मैं इसे गैप दे देता हूं यहां पे। तो ये मैंने गैप दे दिया। यदि आप इसे मिडल में रखना चाहते हो तो यहां पे क्लिक कीजिएगा, इसे हम मिडल में रख देते हैं। तो ये आपका थंबनेल बन गया है, या फिर आप साइड में ही रखना चाहते हो तो साइड में क्लिक कर दीजिएगा, और यहां से आप ये जो फॉन्ट है आप यहां से चेंज कर सकते हो, ये फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, और ये बैकग्राउंड जो है इसे आप ब्लर करना चाहते हो तो ब्लर यहां से कर सकते हो, फिल्टर ले लीजिएगा, एडवांस ऑप्शन, और यहां पे ब्लर कर दीजिएगा। ब्लर करने से क्या होगा कि आपका टेक्स्ट जो है वो बहुत ही क्लियरली आपको दिखेगा। तो ये हमारा थंबनेल बन चुका है, तो यहां से आप थंबनेल बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हो। फिलहाल तो मैं आपको ऐसे ही एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, वैसे तो यहां पे बहुत सारा टूल्स है, ये वेबसाइट के जरिए से आप आई कैचिंग थंबनेल बना सकते हैं। तो यहां पे आप एलिमेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हो, यहां पे आप कुछ भी टाइप करते हो VIDEOS वीडियोस, तो यहां पे आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो ये मैंने वीडियो टाइप किया, वीडियो का एलिमेंट्स आ चुका है। तो यदि हम वीडियो के रिलेटेड में हम बना रहे हैं, तो जैसे ही आप यहां पे वीडियो टाइप करके सर्च करती हो यहां पे आपको एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो इसे आप यहां पे दे सकती हो, कहीं पे भी आप यहां इसे चिपका सकती हो। तो फिलहाल के लिए तो मैं इसे यहां पे दे देता हूं, और अभी हमें डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए इसे मैं YouTube वीडियो एक नाम दे दीजिएगा इसे, डन, और यहां पे डाउनलोड पे आप क्लिक कर लीजिए। जेपीजी फाइल में मैंने ले लिया इसे, तो ये अभी सेव होना शुरू हो गया और ये डाउनलोड भी अभी हो जाएगा, और इसे हम अपना यूट्यूब वीडियो में थंबनेल लगा सकते हैं। तो जैसे कि ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है, इसे मैं क्लोज कर देता हूं, और इसे मैं अभी ये मेरा यहां पे डाउनलोड हो चुका है, इसे मैं फिलहाल के लिए कट करके डेस्कटॉप में मैं कॉपी कर लेता हूं। डेस्कटॉप में मैंने कॉपी किया, अभी मैं अपना यूट्यूब वीडियोस में चले जाता हूं। तो अभी मुझे क्या करना होगा, थंबनेल जो मैंने बनाया उसे मैं ले लेता हूं यहां से। तो YouTube थंबनेल यहां पे आ चुका है, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूं ये अपलोड होना शुरू हो जाता है, और यहां पे आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हो थंबनेल जो है ये यहां पे बन चुका है। तो अभी फाइनल आपको क्या करना है, आपको वीडियो जो है मोनेटाइज करना है, वीडियो को यहां पे मोनेटाइज कर दीजिए ताकि आपके वीडियोस में एडवर्टाइज आएंगे और उसी का पैसा आपको मिल देगा। अभी आप यहां पे ऐड को मोनेटाइज कर दीजिएगा, उसके बाद एडवांस सेटिंग्स पे जाके आप कमेंट्स को या फिर लाइक्स को आप डिसेबल करना चाहते हो तो कर सकती हो, या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको यहां पे कैटेगरी जो है वो हर वीडियो में आपका एक ही रहना चाहिए, हाउ टू स्टाइल, एजुकेशन, या फिर आप गेमिंग के रिलेटेड में देते हो, म्यूजिक के रिलेटेड में देते हो, जो भी आप देते हो, मेरा एजुकेशन के रिलेटेड में मैं देता हूँ, हर वीडियो में ये एक ही होना चाहिए आपका। आप चाहो तो रिकॉर्डिंग डेट जो है वो दे सकते हो, टूडे डेट, ये डेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, मेक दिस वीडियो अवेलेबल ऑन ऑल प्लेटफॉर्म, तो ये एवरीवेयर पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शंस दिया गया है, ये ऑलरेडी छोड़ दीजिएगा, बाय डिफॉल्ट ही रहता है ये, तो इसे आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद अभी आपको क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्म पे चले आइए, उसके बाद आपको ये पब्लिक पे आपको डालना होगा, ये पब्लिक में आप डाल दीजिएगा। पब्लिक में डालने के बाद इसे आप यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करते हो आपका वीडियो जो है वो लाइव हो जाएगा, और लाइव होने के बाद लोग आपकी वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से टाइटल, टैगिंग, डिस्क्रिप्शन और थंबनेल का ध्यान रखते हुए प्रॉपरली वीडियो आप इस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले हर वीडियो में पार्टिसिपेट करते रहिए। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।